मित्रों, साथियों और छात्रों, साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th का प्रथम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। प्रथम चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें 10 बिंदुओं पर ध्यान देना है, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यह प्रथम टॉपिक है। दूसरा टॉपिक नेचर ऑफ मैटर। तीसरा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। चौथा टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। पांचवा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। छठा टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सातवां है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास। आठवां है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। नौवां टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन और दसवां टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। सब का हिंदी इस प्रकार है, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान का महत्व, नेचर ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की प्रकृति, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की गुण, तथा देयर मेजरमेंट उनके मापन। चौथा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इसका मतलब हुआ मापन में अनिश्चितता। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम। छठा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसका हिंदी होता है डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। सातवां है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास यानी कि परमाणु और आणविक द्रव्यमान। आठवां है मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल अवधारणा एंड मोलर मास मीन्स मोलर द्रव्यमान। परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि प्रतिशत संगठन। स्टोइकियोमेट्री का कुछ हिंदी नहीं होता है स्कियोमेट्रिक, एंड स्कियोमेट्रिक कैलकुलेशन का अर्थ हुआ स्कियोमेट्री और स्कियोमेट्रिक गणना। अब केमिस्ट्री का यह जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसका पहला टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का महत्व। देखिए कह रहा है कि केमिस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में, केमिस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, जैसे रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जैसे इन मेडिसिन दवा के रूप में, इन एग्रीकल्चर कृषि में, इन इंडस्ट्रीज उद्योग में, जैसे इन मेडिसिन माने दवा में। तो जैसे ही हम लोगों को किसी भी प्रकार की तनाव या दर्द या बुखार महसूस होता है, हम लोग सीधे मेडिकल हॉल में जाते हैं, दवा की दुकान पर जाते हैं और आराम से दवा ले लेते हैं और दवा खाकर राहत की नींद सोते हैं। यहाँ पर जो हम लोग दवा लिए वो वास्तव में केमिकल कंपोजिशन है, कंपाउंड, या हम इसको हिंदी में कहें यौगिकों का जो संयोग है, जिसको एक अनुपात में मिलाकर, एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। अब इसमें दूसरी बात बताया गया है इन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में। आज से बहुत साल पहले आप सब लोग सुनते होइएगा कि लोग भूखों मर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उपज अच्छी नहीं होती थी। परंतु जैसे जैसे रसायन विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ, रसायन विज्ञान विकास किया, लोग इसे विकसित किए, तब भिन्न भिन्न प्रकार के उर्वरक या उसको हम कहें खाद बनाया जाने लगा, जिससे आजकल खेती में बहुत सारी उपज की संभावनाएं बढ़ जाती है और हम लोग अपने भूखमरी के शिकार होने से बच जाते हैं। जैसे यह हुआ NH2CO NH2, इसी का नाम है यूरिया, और आजकल इसका अत्यधिक उपयोग करके हम लोग उपज अत्यधिक मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं।
अब इसमें तीसरी बात बताया गया है इन इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग में, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग। अब हम लोग सीधी सी बात करते हैं पॉलीमर पर ही, जैसे पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, या पाइप के रूप में हम लोग कृषि में ही इसका उपयोग देखते हैं, फिर नायलॉन रस्सी के रूप में, यह भी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। अतः इन सभी बातों से हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फॉर रिमेम्बर, याद करने के लिए, जैसे हम कुछ का एटॉमिक नंबर जिसका नेम सिंबल और मास लिखे हुए हैं इसको याद कर लीजिए। जैसे एटॉमिक नंबर एक, इसका नाम है हाइड्रोजन, HYDROGN हाइड्रोजन, इसका सिंबल H होता है और द्रव्यमान 1 AMU होता है। लगभग सबका द्रव्यमान लिखे हैं, एक्यूरेट नहीं लिखे हैं। अब एटॉमिक नंबर दो, नाम इसका होता है हीलियम, HELIUM हीलियम, इसका सिंबल होता है H और इसका मास होता है द्रव्यमान 4 AMU। तीन नंबर एटॉमिक नंबर तीन, नाम है इसका लिथियम, LITHIUM लिथियम, LI इसका सिंबल होता है, LI इसका सिंबल होता है और इसका द्रव्यमान 7 AMU माने 7 AMU होता है। चार नंबर जिसका है एटॉमिक नंबर चार है, नाम है बेरिलियम, BERYLLIUM बेरिलियम, इसका सिंबल B होता है और एटॉमिक के मास 9 AMU या 9 AMU होता है। अब आता है ब्रोन, पांच इसका एटॉमिक नंबर होता है, सिंबल नेम हो जाएगा इसका स्पेलिंग हो जाएगा BORON ब्रोन, इसका सिंबल हो जाएगा B, इसका द्रव्यमान होता है 11 AMU और इसका छठा, इसका नाम आप लोग जानते हो जाएगा पॉलीसल्फिक कार्बन, CRBON कार्बन, सिंबल है C और इसका द्रव्यमान होता है 12 AMU। इसका हो गया 7 यानी कि नाइट्रोजन, NITROGEN नाइट्रोजन, N इसका सिंबल होता है और इसका द्रव्यमान हो जाएगा 14 AMU। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर, नाम है ऑक्सीजन, OXYGEN ऑक्सीजन, सिंबल होता है O और द्रव्यमान होता है 16 AMU। उसके बाद आता है फ्लोरीन, इसका 9 एटॉमिक नंबर होता है, FLUORINE फ्लोरीन, इसका सिंबल F होता है और द्रव्यमान 19 AMU हो जाएगा। 10 नंबर पर आता है नियोन, NEON नियोन, NE सिंबल होता है और इसका द्रव्यमान हो जाएगा 20 AMU। आज टॉपिक 1 समाप्त हुआ, टॉपिक 2 अगले एपिसोड में।